हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इंटरेंस रिजल्ट कब आएंगे, और मैंने बताया था कि नवंबर फर्स्ट वीक में आएंगे। तो एक दिन पहले ही आप सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा कि आपको कैसे रिजल्ट डाउनलोड करने हैं, और आपके टोटल नंबर कितने हैं, वह कहाँ से देखना है। और जो रिजल्ट आए हैं उसमें कुछ लोगों के नंबर जो हैं वह बढ़े भी हैं, और कुछ लोगों के नंबर घटे भी हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि वह क्यों बढ़े हैं, और उसमें डिडक्शन और वेटेज का क्या मतलब होता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आप सभी को अपने एंट्रेंस के रिजल्ट कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो मैंने नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है टेस्ट रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यानी कि इन दोनों को जैसे ही आप डाल के सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट खुल जाएगा। और आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितना नंबर मिला है, और कितना नंबर आपका कटा है, कितना नंबर आपका बढ़ा है। और उससे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ लिफ्ट दी गई है कुछ कोर्सेज की, यानी कि किनके किनके रिजल्ट आए हैं इस लिफ्ट में दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं BA BSc करके MA MSc करके दिया होगा। तो अगर इस लिफ्ट में अगर आपके कोर्स का नाम है जिसका आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपके रिजल्ट यहाँ पर आज ही दिख जाएंगे। लेकिन अगर आपके कोर्स के नाम इस लिफ्ट में नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा इतने ही रिजल्ट अभी मतलब अपलोड किए गए हैं। तो अगर आपके कोर्स का नाम इसमें नहीं है तो आप कुछ दिन बाद इसी वीडियो को ओपन करके और इस लिंक पर ट्राई कीजिएगा, और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अगर आपका कोर्स इसमें दिख जाएगा, उसके बाद अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपके रिजल्ट खुल जाएंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी सबके रिजल्ट अपलोड हो जाएंगे। अभी बस इतने लोगों के रिजल्ट अपलोड हुए हैं। तो मैंने पहले ही कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांग लिए थे, और इसमें डाल के मैं उनका रिजल्ट निकाल चुका हूँ। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि उसमें जो नंबर देखने हैं कहाँ से देखने हैं, और जो आपके नंबर कम हुए होंगे और जो ज़्यादा हुए होंगे तो कैसे हुए होंगे, और वेटेज और डिडक्शन का क्या मतलब है उसमें। तो सबसे पहला रिजल्ट आप देख सकते हैं कि यह एक नॉर्मल रिजल्ट है, यानी कि इसमें कुछ ना कटौती हुई है ना ही इसमें वेटेज मिला है। जैसे देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन तो 100 ही थे और करेक्ट आंसर इन्होंने 36 किया था, यानी कि इनको 72 नंबर मिलने थे तो 72 नंबर मिला है। देखिए, इसमें लिखा है कि मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर 72 यानी कि 72, और वेटेज क्लेम 0 और डिडक्शन 0, इंडेक्स 72, वेटेज टाइप NA, यानी कि ना इनकी कोई कटौती हुई है, यानी कि डिडक्शन भी नहीं हुआ है, और इनका वेटेज भी कोई नहीं मिला है, यानी कि छूट भी कोई नहीं मिली है, और इनका वेटेज NA लिखा है, यानी कि कुछ नहीं वेटेज मिला है, और इनका जो टोटल मार्क्स होगा वह 72 ही होगा। और अगर आप अगला रिजल्ट देखेंगे तो इसमें दिया है कि टोटल क्वेश्चन 100 हैं, इन्होंने करेक्ट आंसर 66 किया था, और मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर यानी कि इन्होंने जितना सही किया था उसका टोटल मार्क्स 132 है, 132 होना भी चाहिए, और इनका वेटेज क्लेम यानी कि इनको छूट मिली है 8 नंबर की, और डिडक्शन यानी कि इनका 14 नंबर इनका कटा है, यानी कि टोटल इनका इंडेक्स हो जाएगा 126 नंबर। और वेटेज टाइप यानी कि इनको छूट क्यों मिला है, यहाँ पर दिया होगा कि WTF और WTP CDD, यानी कि इसका मतलब क्या होता है नीचे दिया होगा। और अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिया होगा कि वेटेज टाइप जो लिखा है WTF WTP CDD, इसका मतलब क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि WTF का मतलब होगा कि पहली बात तो ये फीमेल है, इसलिए इनका 4 नंबर बढ़ा होगा, सभी फीमेल का 4 नंबर बढ़ा होगा। और जो WTP CDD लिखा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मतलब ग्रेजुएशन फ्रॉम एप्लीकेटेड कॉलेज DDU GU गोरखपुर, यानी कि इन्होंने ग्रेजुएशन अपना एप्लीकेटेड कॉलेज से किया है गोरखपुर विश्वविद्यालय के, इसलिए इनका WTP CDD लिख के और कुछ नंबर बढ़ा होगा इनका वेटेज में। और अब जानते हैं कि इनका नंबर कम क्यों हुआ है, यानी कि इनका डिडक्शन क्यों हुआ है। तो इनका 1-2 साल गैप होगा इसलिए इनका नंबर कटा है, तो जिनका भी 1-2 साल गैप होगा तो उनका कुछ नंबर कट जाएगा। और अब सभी वेटेज टाइप का मतलब जान लेते हैं, यानी कि अगर आपके नंबर बढ़े होंगे तो क्यों बढ़े होंगे, यहाँ पे नीचे दिया होगा आपके वेटेज टाइप में कुछ लिखा होगा, जैसे WTF WTP CDD WTP CDD या WT1 WT2 ऐसे करके कुछ लिखा होगा वेटेज टाइप में। तो इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं WTF का मतलब क्या है। तो WTF का मतलब फीमेल, यानी कि फीमेल जो होंगी जितने भी स्टूडेंट फीमेल होंगी तो WTF लिखेगा और कुछ नंबर उनको छूट मिलेगा। और जिनका भी WTP और DDU लिखा होगा उनका मतलब होगा कि ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रेजिडेंटल कैंपस गोरखपुर, यानी कि इन्होंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से किया होगा, तो इनका ऐसे WTP CDD लिखा होगा तो इनका भी कुछ नंबर बढ़ेगा। और WTP CDD ऐसे करके लिखा होगा तो यानी कि इन्होंने एप्लीकेटेड कॉलेज से ग्रेजुएशन किया होगा, इसलिए WTP CDD लिखा है।
और WT1 का मतलब हो जाएगा आपका NFFE सर्टिफिकेट होल्डर होंगे, और WTT का मतलब हो जाएगा आपका NFF सर्टिफिकेट होल्डर होंगे, इसलिए आपका कुछ नंबर बढ़ेगा। तो ऐसे करके सभी लोगों का दिया होगा। जैसे यहाँ पर WT4 का मतलब स्पोर्ट प्लेयर, यानी कि जो भी स्पोर्ट प्लेयर होंगे उनका भी कुछ नंबर बढ़ेगा। तो आप सभी के रिजल्ट पर या तो NA लिखा होगा या तो इसमें से वेटेज टाइप में से कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो जिनके भी वेटेज टाइप में से कुछ ना कुछ लिखा है WT1 WTT या कुछ भी, तो इसका मतलब है कि उनका कुछ नंबर बढ़ा होगा। और जिनके भी रिजल्ट पर NA लिखा है वेटेज टाइप में, तो इसका मतलब है कि उनको कोई भी छूट नहीं मिली है। और जिनका भी डिडक्शन हुआ होगा उनका एक फल गैप होगा या तो कोई और रीजन होगा। तो अगर आप सभी के कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।